जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में भी पेयजल शुद्धता जांच की ट्रेनिंग देना सुनिश्चित करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम स्वच्छ समिति की बैठक का आयोजन हेतु देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देश के कई राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत कर गाँव में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत वजली में ग्रामीणों द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप का शुभारंभ भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रतिभाग किया। उन्होंने ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन हेतु जो समिति गांव में गठित की गई है वह समय समय पर बैठक का आयोजन करते रहे। इस दौरान उन्होंने युवक मंगल दल वजली द्वारा गांव में बेहतर कार्य किए जाने वाले प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। कहा कि हर गाँव के व्यक्ति को गाँव के प्रति लगाव होना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संविधान की शपथ भी दिलाई। जिलाधिकारी जोगदंडे ने ग्राम पंचायत वजली में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम में प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम जल स्वच्छता समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तर में कार्य योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कहा कि वजली ग्राम पंचायत के लगभग 1,70,00,000 की योजनाओं की स्वीकृति किया गया है। इस दौरान जल संस्थान विभाग के कर्मी को द्वारा ग्रामीण को पेयजल शुद्ध हेतु जाँच की ट्रेनिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में भी पेयजल शुद्धता जांच की ट्रेनिंग को सुनिश्चित करें जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की जानकारी मिल सके। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को समय समय पर बैठक कर उसकी कार्य योजना बैठक में शामिल करने को कहा। कहा कि गाँव में छोटे छोटे कार्यक्रमों से ही बड़े कार्यों का आयोजन किया जाता है। कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उससे पूर्व गांव से समिति का गठन करना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के संवाद कार्यक्रम को हमने लाइव जो है उसको प्रसिद्ध किया और उजली ग्राम सभा के जितने भी निवासी हैं नागरिक हैं उन्होंने संवाद को सुना। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन का ऐप का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है, उसका भी प्रक्षेपण जो है ग्राम निवासियों ने देखा। साथ साथ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे जनपद में क्या क्या योजनाएं हैं उसकी जानकारी हासिल किया गया। आज की GPDP की कार्य योजना में भी इस बात का उल्लेख किया गया है और विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है। इस ओजली ग्राम पंचायत के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल समिति का गठन पूर्ण कर लिया गया है और ग्राम स्तरीय कार्य योजना का काम पूर्ण कर लिया गया, उसे स्वीकृति प्राप्त हो गया है। लगभग 1,77,00,000 की योजना इस ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत किया गया है और निर्माण कार्य अभी शीघ्रता से प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा यहाँ के जो विभागीय अधिकारी उन्होंने अवगत कराया है। साथ में आज ही ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों की उपस्थिति में पानी की जो क्वालिटी होती है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का भी एक ट्रेनिंग आयोजित किया गया जिसमें महिलाओं के द्वारा और युवक मंगल दल के द्वारा प्रतिभाग किया गया, उसका भी हम लोगों ने आज जो शुभारंभ किया। ऐसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम समस्त ग्राम पंचायतों में करने का हमारा मंशा है, हमारा एक ये हमारी योजना है और हम आशा करते हैं कि जल संस्थान और जल निगम के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में ट्रेनिंग संभव जो है पूर्ण कर ली जाएगी और सभी ग्राम पंचायतों में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का कार्य उस संबंध के जो ग्राम पंचायत के निवासी महिलाएं हैं उनके माध्यम से किया जाएगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। उसके लिए सभी को धन्यवाद भी हमने दिया है।